नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं रांची से आयुष सिन्हा जी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। कहते हैं ना कि जिंदगी आपको जहां भी ले जाती है वो एक खूबसूरत मोड़, खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए ले जाती है। आयुष की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में थे और उन्होंने एक डिसीजन अपने लिए लिया। आई एम श्योर वो उनके बेहतर भविष्य और खूबसूरत अंजाम के लिए लिया है। और उन्होंने वो बैंकिंग में आने का उन्होंने प्रण लिया, डिटर्मिनेशन था उनका, और आज उन्होंने वो एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया है। तो चलिए आयुष से बात करते हुए जानते हैं उनकी बहुत ही डायनेमिक जर्नी फ्रॉम मर्चेंट नेवी टू बैंकिंग। सो वेलकम आयुष, कंग्रेचुलेशंस, वेरी प्लीज टू हैव यू टुडे। थैंक यू मैम, इट्स एन ऑनर टू बी हियर मैम। एक्चुअली हमेशा एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब वीडियो देखता था, टॉपर्स टॉक, सो इट्स गुड टू बी ऑन द अदर साइड नाउ। एंड आयुष, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो क्योंकि आपने जैसे कहा कि एज एन एस्पिरेंट बहुत सारे टॉपर्स टॉक देखे हैं। बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, वुड बी एस्पायरिंग टू बी एट योर प्लेस, एंड आई एम श्योर बहुत जल्द वो आपकी जगह पे होंगे और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट डेस्टिनी और ब्रिलियंट पाथवे फॉर एवरीबडी। And you've been an aspirant and today a topper. So congratulations and very happy that you have joined us in today's session. Thank you, ma'am. Thank you very much. So Ayush, मैं शुरुआत से ही शुरुआत करूंगी। थोड़ा सा बताएं ये जो dynamics change हुए merchant navy से banking का जो सफर शुरू हुआ। I'm sure क्योंकि एक lifestyle merchant navy की which is very fancy we know and people aspire, वो देखते हैं कि that's a proper lifestyle and now just coming to banking which is definitely one of the most prestigious career, but dynamics काफी अंतर है। जी मैम, actually जब मैं सेलिंग पे गया तो around 2-3 महीने जब सेलिंग के हो गए तब मुझे लगा कि घर से भी काफी सब परेशान थे, मतलब मम्मी पापा काफी पसंद नहीं आ रही थी जॉब। सो मैं सोचा कि नहीं, अभी चेंज करने का टाइम है। तो शिप पे मैंने अपने सीनियर से बात की कि एक्चुअली चेंज करना सही रहेगा कि नहीं। वो बोले कि चेंज करना है तो अभी कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, अभी एज भी है, सो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, तुम चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर बाद में तुमको रिग्रेट होता रहेगा, यू शुड हैव टेकन दैट डिसीजन। सो मैं सोचा कि अब चेंज करना है तो करना ही है। फिर मई में मैं साइन ऑफ किया शिप से, तो आपके साथ सोचा कि नहीं अब करना है तो करना ही, क्योंकि शिप की लाइफ एक्चुअली ठीक है, काफी कुछ अच्छी है। एक्चुअली यू लिव, यू गेट टू लिव इन 5-star होटल, जब पोस्टर जाते हैं सब बहुत काफी फैंसी रहता है सब चीज, दुनिया घूमते हैं, डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, लेकिन फैमिली से आप काफी हट जाते हैं एक्चुअली। तो मैंने वही सोचा कि अगर 2-3 पैसे कम भी कमाए लेकिन फैमिली के साथ प्रेशियस मोमेंट बिताए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो सोच के मैंने सोचा कि अब चेंज कर लेते हैं। तो आयुष, आप मर्चेंट नेवी में थे, हम थोड़ा सा उसका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि हाउ इज द लाइफ देयर, और उसके बाद फिर आप बैंकिंग प्रिपरेशन में आए, तो ये पूरी जो जर्नी आपकी रही है बीइंग इन मर्चेंट नेवी डूइंग जॉब, समुद्र में रहना और फिर एक डिसीजन लेना कि यू हैव टू क्विट एवरीथिंग एंड जस्ट कम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, बहुत सारे डायनेमिक्स खुद में अंतर आए होंगे, माइंडसेट खुद को प्रिपेयर करना पड़ा होगा, तो वो पूरी जर्नी एक जानना चाहते हैं। आई एम श्योर एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जो आप हमेशा उसको चेरिश करेंगे, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैम, मैं मरीन इंजीनियर हूं, सो मैं शिप में एज ए इंजन कैडेट गया था पहली कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पर एक्चुअली मेरी काम एक्चुअली असिस्ट करना था सेकंड इंजीनियर चीफ इंजीनियर को, तो ऐसा कुछ भारी काम नहीं था। एंड मुझे एलपीजी शिप मिली थी फर्स्ट शिप, एंड काफ़ी नई शिप थी तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी अच्छा स्मूथली सेल हो गया वो। लेकिन वही घर में एक्चुअली फैमिली के साथ लगा था नहीं, काफ़ी दूर हटते जा रहे हैं, बाद में ना लगे कि हम घर में जा रहे हैं खाली गेस्ट की तरह, फैमिली मेम्बर से काफ़ी अलग ना हो जाए, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं अब चेंज करना है, तो माइंडसेट बना लिया है। तो जैसे मैं शिप से उतरा, तो मैं शिप से उतरने के साथ ये नहीं सोचा था कि बैंकिंग में ही जाना है, मतलब सोचा था करियर चेंज करना है जिसके साथ मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाए। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन देखे, तो उसमें बैंकिंग मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसकी जो टर्न अराउंड टाइम है काफ़ी कम है और सिलेबस मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। सो मैं लग गया बैंकिंग में बिना कुछ सोचे समझे, अब जो सोचा कि बैंकिंग करना है तो करना ही है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो कहते ना कि जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आप खुद नहीं छोड़ते हो तो आप कुछ जोर से तैयारी करते हो उस चीज़ की। सो मैम, मैं उसी में लग गया एंड बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बस हो गया मैम, अच्छी सी जर्नी निकल गई। एक्चुअली ये सोचा कैसे, मतलब प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपने बताया यू कंसल्टेड योर सीनियर कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग, की मर्चेंट नेवी में रहते हुए सोचा या फिर एक बार रिजाइन करने के बाद यू टुक योर टाइम एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्या था?
नहीं मैम, वो एक्चुअली वो थॉट की सीड मैंने सेलिंग के दौरान ही डाल ली थी कि चेंज करना है, क्योंकि जब भी घर पे मैं कॉल करता था, बातचीत करता था, तो मतलब टोन से पता लग जाता था कि वो लोग खुश नहीं है जितना मैं चाहता था। तो मैंने बात की उनसे, सीनियर से, सीनियर भी कह रहे थे कि अगर तुमको चेंज करना है तो अभी टाइम है, क्योंकि वो लोग भी उसमें से दो तीन थे सीनियर्स, वो भी चाहते थे कि पहले अपने जो वो यंग में थे तो वो लोग भी चाहते थे कि चेंज कर लें, लेकिन वो फिर बाद में लगा कि नहीं पैसा आ रहा है तो कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, कर लेते हैं बाद में देखेंगे, क्योंकि बताए अपनी स्टोरी बताने लगे कि नहीं, एक टाइम के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तुम नहीं चेंज कर सकते, तुमको फिर इसमें रहना पड़ेगा, तो बाद में रिग्रेट ना हो, इससे बेटर है कि तुम अभी चेंज कर लो। तो मैम तो लगा कि अब चेंज तो करना है, तो मैं शिफ्ट में देखने लगा था क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन वही था कि शिफ्ट में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी सही रहती नहीं तो पता नहीं चल रहा था। तो मैं सोचा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से खत्म कर लेते हैं, फिर जाके एक बार एक दो हफ्ते में सोचेंगे क्या करना है, आके फिर सोचा था। तो आयुष उसके बाद जब शिप से आ गए, फिर तैयारी कैसे शुरू की, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ समझना पड़ा होगा। मैम जैसे शिप से मैं आया, मई के अराउंड शिप में आया, शिप से आया तो दो तीन हफ्ता मेरे को लगा कि बैंकिंग करना है कि नहीं करना है, फिर लगा कि नहीं बैंकिंग में जाना है, तो मैंने एक ऐसे मॉक टेस्ट लगाया जानने के लिए कि अभी कैसी तैयारी है मेरी, मतलब काफ़ी ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें काफ़ी लोग बैठते हैं, तो मैं ये सोच के से ओवरवेल्म हो गया था कि देखते हैं कि मॉक लगा के देखते हैं क्या कहाँ अभी मैं स्टैंड कर रहा हूँ। सो एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मैं काफ़ी अच्छी तरीके से फेल हुआ, कुछ भी नहीं एक्चुअली मैं जो टाइम लिमिट था एक्चुअली सब कुछ नया था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम हो गया था कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिए हुए, तो काफ़ी कुछ नया था, तो मेरे को लग गया कि नहीं अब इसमें भी मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये पीस ऑफ केक नहीं होने वाला है, इसमें भी काफ़ी मेहनत की जरूरत है। सो फिर मैंने मॉक लगाया, फिर मैंने यूट्यूब में जहाँ जहाँ पर बेसिक्स मुझे लग रही थी कि कमी है, ब्रशअप करने की जरूरत है, सो मैंने यूट्यूब से कवर किया और फिर मॉक टेस्ट लगाया, फिर उस टॉपिक जिस टॉपिक से मुझे लगा कि नहीं अभी ऐसे आप मार्केट में देखेंगे क्वांट्स वगैरह में काफ़ी सारे ट्रिक्स जुगाड़ पड़े हैं, सो उनको सीखने में मुझे लगा कि अब नए से सीखना होगा। और मैम एक्चुअली एक बात मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी मिथ है, सबको ये लगता है कि इंजीनियर तो मैथ्स और रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, सब फोड़ के ही आएंगे, लेकिन मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये क्वांट और रीजनिंग मतलब क्वांट जो है कोई भी 10th क्लास भी आराम से कर लेगा, टाइम उसको मिले तो वो कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंजीनियर है तो इसको पूरा आना चाहिए, इससे खुद भी आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हो। मेरे को भी लगता था कि नहीं इंजीनियर तो मुझे तो करना ही चाहिए, और उसके चक्कर में मैं बहुत गंदी तरीके से पूरा मिसमैच कर देता था, कुछ भी नहीं होता था 10th से, तो मैं क्वांट में भी खराब हो गया था, फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं वो खाली कट ऑफ क्लियर करना है, पहले मन में लगा लिया था कि टारगेट कर लिया था कि नहीं 20 क्वेश्चन करने हैं अभी क्वांट में प्रीलिम्स के लिए, तो किसी तरह 20 को टच करना है, तो मैंने उसी तैयारी की, अपने अपने इंग्लिश के अलग से स्ट्रैटेजी बनाई, इंग्लिश के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था क्योंकि मेरे को लगा न्यूज़पेपर पढ़ने इज इनफ फॉर द इंग्लिश, क्योंकि ऐसे कुछ इंग्लिश मतलब ठीक ठाक थी, इंग्लिश में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से कुछ टॉपिक से जिसका मेरे को लगा कि नहीं इसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो मैंने उसमें सीखा, और क्वांट में भी यूट्यूब से कुछ के बेसिक्स जिसके कमजोर हो गए थे उसको ब्रशअप किया, और मॉक टेस्ट लगाया टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि नहीं इसमें जरूरत है, और जैसे मल्टीप्लिकेशन ही आप एग्जांपल ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं, काफ़ी पता लगाते हैं कि आप ऐसे कीजिए ब्लैक मैजिक भी कितने लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अब ये सब नया तरीके से सीखने जाओ तो मैं जो आता था वही भूल जाऊंगा, क्योंकि मेन एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन देखते हो तो बेसिक इंस्टिंक्ट वही होती है जो आपने सबसे पहले सीखा होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं जो मेरी बेसिक्स है मैं उसमें करूंगा, अगर उनको 5 सेकंड लग रहा है तो मेरे को 10 सेकंड लगे तभी चलेगा, आंसर आ जाना चाहिए बस, इससे मतलब है। सो मेरे को जो आता था मैंने उसमें ही काम किया और उसको ही स्पीड अप करने की कोशिश की नहीं सीखने के अलावा। सो मैम ऐसे ही चलता गया, मैं एक्चुअली मॉक टेस्ट में मैं हार्डली कभी सक्सीड किया, हमेशा कुछ ना कुछ होता था, परसेंटाइल तो काफ़ी खराब आते थे, काफ़ी मतलब लगता था कि कभी कभी लगता था गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को वापस शिफ्ट में चले जाना चाहिए, लेकिन मन बना लिया कि अब करना है तो करना ही, अब देखते हैं जो होगा, एक बार फिर देख रखते हैं। फिर जुलाई के अराउंड आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन आई, सो मैंने उसको भरा एंड बाई चांस प्री निकल गया, फिर उसके बाद एक्चुअली टाइम की कमी थी तो मैंने एक्चुअली प्री की मेंस की कंसोलिडेटेड तैयारी नहीं की, एक एक बार प्री जब आया तो प्री की तैयारी की, फिर मेंस आया तो मेंस की तैयारी की, ऐसे
तो जब मेंस जब मेरा प्री निकल गया पहली बार, तो अब लगा कि मेंस में क्या क्या आता है, मेंस में करंट अफेयर्स भी आता है, आरआरबी में तो कंप्यूटर भी पूछते हैं, अब करंट अफेयर देख के फिर से मैं लगा कि अभी ये कहाँ से हो पाएगा ये फिर मैंने गौरव सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो उससे लगा कि नहीं कर सकते हैं अगर टाइम दे तो, क्योंकि एक महीना के अराउंड टाइम था, तो मैं उनकी वीडियो देखी और लग गया, और उनके जो बेस्ट 300 वाले क्वेश्चन आती है वो बहुत हेल्प की मेरे को, मतलब वही एक सहारा था उसके कारण ही निकल पाया, और फिर कंप्यूटर का भी हो गया और आरबी पीओ से अच्छे से निकल गया, फिर ऐसे ही आईपीएस पीओ का भी था, आईपीएस पीओ के प्री की भी जैसे ही की फिर मेंस इंटरव्यू में। सहीश आपने बहुत सारी चीजें बताई कि हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं ऑलरेडी, आपने जैसे बताया कि समझ लेते हो इंजीनियर्स का मैथ्स अच्छा ही होना चाहिए, बट शायद वो एक गलत अप्रोच होता है प्री अजम्पशंस का, इसलिए सतर्क रहें सभी इंजीनियर्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ऑल ओवर भी आपको सतर्क रहना है, कभी भी ऐसा मत सोचें कि ये पोर्शन ठीक है ये पोर्शन में मैं बैलेंस कर लूंगा। सहीश मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप एक डिफरेंट फील्ड से आए, आपने बहुत सारी चीजें समझी एंड आई एम श्योर वो समझने में बहुत सारी हार हुई होगी तब जाके एक जीत आप कल्मिनेट कर पाए हो, लेकिन अगर एक कल्मिनेटेड स्ट्रैटेजी बनानी हो एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी तो वो आप क्या एडवाइस करो? मेरी एडवाइस मैम यही रहेगी, आप कोई भी अगर एस्पिरेंट किसी भी लेवल पे है तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप एक मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको मतलब पता नहीं रहेगा कि आप किस लेवल पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत थी फियर्स है, तो आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाएगी, अगर टाइम ज्यादा है तो आप अपने वीकनेस पे काम कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो आप अपने स्ट्रेंथ को एब्सोल्यूट कर लीजिए, आप मतलब ऐसा कर लीजिए कि स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आए तो मेरे को करना ही है और आपका कट ऑफ निकल जाएगा, बेसिक्स को ब्रशअप कर ले, क्वांट में मैं स्पेशली ये बोलूंगा बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दें, जुगाड़ ट्रिक अगर लग जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं लगे तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए, बेसिक्स ही मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको आपको नहीं पार लगाएगी, और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अलग अलग दो तीन सेट लगा ले, अगर आपको लगता है कि किसी में आप फंस रहे हैं तो आप उसके टॉपिक टेस्ट लगा लीजिए, अगर टॉपिक टेस्ट लगाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम ज्यादा लग रही है तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन बन जा रहे हैं टाइम ज्यादा लग रहा है वो प्रैक्टिस की कमी है, आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आपको आता है सब कुछ आता है, बस खाली आपकी प्रैक्टिस की कमी है, आपको लगता है तो आप यूट्यूब से फिर से बेसिक्स क्लियर कर लें, और इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज इनफ, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एंड करेंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं आप उसको ही उस पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जो भी सर टीचर्स पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन पर पूरा भरोसा रखें, ये नहीं कि आप आज ये PDF से पढ़ रहे हैं कल आप दूसरे PDF से पढ़ रहे हैं फिर आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, आप ऐसे आपको एक PDF जो भी फॉलो कर रहे हैं जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उस पर ही टिके रहें, भरोसा रखें कि अच्छे से हो जाएगा, और भगवान पे भरोसा रखें बस, और सब नहीं पार लग जाएगी। थोड़ा सा बताएं अपना आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आई एम श्योर एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड का इंटरव्यू था और क्या क्वेश्चंस पूछे गए जानना चाहेंगे आपसे आयुष। जी मैम आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये इंटरव्यू में एक्चुअली मेरी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स इस पे ही जाता था कि मरीन इंजीनियर मर्चेंट नेवी छोड़ के क्यों आए, ये बहुत ही डबल ए सॉर्ड होती है, आप वो मतलब एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ हो जाता है आप क्यों छोड़ के आए, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये इसमें पैसा ज़्यादा है, आप दुनिया घूमने को मिल रहा है और क्या चाहिए, बात सही है, लेकिन उनको वही समझाना पड़ता था नहीं सर फैमिली लाइफ बैलेंस एकदम नहीं हो रही थी, तो मेजॉरिटी मैम मेरा इंटरव्यू इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता था कि मरीन इंजीनियर क्यों छोड़ते, आप वहाँ क्या काम करते थे, वहाँ कितने पैसा कमा रहे थे, आप उसका यहाँ आधा भी नहीं कमाएंगे, मैं इसके ऊपर ही चलती थी मैम, और थोड़े बहुत बैंकिंग के, वो एक्चुअली मुझे लगता नहीं बैंकिंग का कुछ मायने रखता है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी पूरी इंटरव्यू उस पर ही मार्किंग नहीं होती होगी, तो 10-15 मिनट मैम उसी पे मेरे को ग्रिल किया जाता था क्यों छोड़ के आए क्यों छोड़ के आए। शादी आई क्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा इस पूरी जर्नी में? जी मैम उनका काफी अहम रोल रहा, एक्चुअली जब मेरा प्रीलिम्स हो गया ना तो मुझे एक पल के लगा कि नहीं अब मैं मेंस भी कर लूंगा, मैंने मेंस का तब एक्चुअली बॉक्स दिया नहीं था पहले, तो जैसे प्री निकला तो मैं बहुत खुश हो गया था, मैं आसमान में उड़ने लग गया था, तो फिर मैंने एक मेंस का भी मॉक लगाया तो फिर मैं तुरंत नीचे गिर गया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं करंट अफेयर्स मुझे कुछ भी नहीं आया उसमें एकदम, मतलब कुछ भी नहीं आया,
तो मिला कि नहीं अब तो ये कहाँ से होगा। फिर मैंने यूट्यूब से ये चीज लगाया, वो ग्रेस ऑफ गॉड ही था कि गौरव सर की एक वीडियो आ गई ऊपर, तो मैंने देखा कि चलो देखते हैं सर क्या स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी देख के लगा कि नहीं कर सकते हैं, टाइम है कम से कम, कट ऑफ तो निकल जाऊंगा, अगर अच्छा हुआ उसके टाइम मिला तो अच्छा कर लूंगा। तो मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो उन्होंने काफी मुझे उनके देख के लगा कि नहीं हम्बल रहना चाहिए अपनी जर्नी में, कितना भी कुछ आ जाए कभी उड़ना नहीं चाहिए, बहुत नॉलेज इज ऑलवेज रिलेटिव। तो आपको उनको मतलब उनकी ऐसी नॉलेज तो आई गेस कोई भी टीचर के पास उतनी नहीं मुझे लगी। वो मतलब एक क्वेश्चन में लेके आप कितने सारे एंगल कवर कर सकते हैं वो सारे कवर कर देते थे, तो होलिस्टिक कवर वहीं पर मेरी हो जाती थी। मुझे लगता था नहीं अब ये करना है, मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी उनकी वीडियोस, और 300 बेस्ट 300 से अच्छी रिविजन हो जाती थी। उनका काफी बड़ा रोल रहा है सर। आयुष, वी आर वेरी ग्लैड गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। आयुष, फाइनल टिप सजेशन सभी के लिए? फाइनल टिप यही रहूंगा मैम कि आप एस्पिरेंट के लिए यही रहेगा कि आप अपने से हमेशा सच बोलें, आप अपने आप को पहचाने, सेल्फ अवेयर रहें, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। कभी आपने आपको धोखे में ना रखे कि ये मैं कर सकता हूँ ये। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है वो मॉक लगाते नहीं, वो कहते हैं नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक लगाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत अप्रोच है। अगर आप पूरा सिलेबस लगा लें और लास्ट मोमेंट में मॉक लगाएंगे और मॉक में खराब स्कोर आ गया तो आपको ज्यादा डिप्रेशन फील होगा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद में मॉक में खराब आए तो लगेगा कि हमने क्या ही तैयारी की। तो मैं बोलूंगा आप स्टार्टिंग में मॉक लगा लें, और मॉक का स्कोर फाइनल नहीं होता, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ मैं हार्डली कोई मॉक में मतलब अच्छा स्कोर लाया, जैसे कि मतलब है कि नहीं हाँ 99-98 किसके परसेंटाइल में देखता था कि सबके ऊपर, मेरे तो हार्डली 90% की क्रॉस हुई होगी किसी में। तो यही बोलूंगा आप हम्बल रहें और भगवान पे भरोसा रखें, सब अच्छा ही होगा। यू ट्रस्ट द प्रोसेस, आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस अपने अपने से बस ट्रूथफुल रहे कि अपने को धोखा में ना रखें कि मैं ये कर लूंगा बाद में कर लूंगा, मुझे ये आता ही है मैं बाद में देख लूंगा। नहीं आता सब कुछ है, लेकिन मुझे भी वही लगता था कि कौन तो मैं कर ही लूंगा इसमें क्या ही है, लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में वो नहीं काम करता तो मेहनत तो करनी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी है। बेसिक्स को स्ट्रांग रखे, बेसिक्स का कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ हार्डली एक दो क्वेश्चन में लग जाए वेल एंड गुड, लेकिन बेसिक्स को आपको पकड़ के रखना है। थैंक्स आयुष फॉर जॉइनिंग अस, एंड बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग, प्लीज टेक अ नोट, बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट, और आपके जो बिल्डिंग है वो उसी पे बिल्ड अप हो रही है, इसलिए बेसिक पर ध्यान दें। एंड आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आयुष इज एन एग्जांपल कि यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम व्हेनेवर यू मेक अप योर माइंड, सो गेट अप फॉर योर ड्रीम्स, गेट अप फॉर एनीथिंग यू डिजायर फॉर योरसेल्फ। थैंक यू आयुष, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू।